नमस्कार, मैं रमेश चंद्र, फार्मर द जर्नलिस्ट। आज मैं मौजूद हूँ संत कबीर नगर जनपद के नाथगढ़ विकास खंड के नाथगढ़ ग्राम सभा में। ऊपर दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन को बोर्ड दिखाएंगे। ये कृषि जंक्शन केंद्र है जहाँ किसानों की सुविधाएं तमाम उपलब्ध रहती हैं। यहाँ पर एक किसान कृषि जंक्शन पे जो बैठे हुए हैं, कुछ किसान हैं और कृषि जंक्शन के जो हेड हैं वो भी बैठे हुए हैं। आज जाने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो धान की फसल, जो अर्ली वरायटी की धान की फसल, जो जिसकी पैदाइश 90 दिन में हो जाती है, उनमें बाल आने लगी है, तो ऐसी क्या क्या व्यवस्थाएँ की जाए कि ताकि बाल में जो दाने उनके मजबूत हों, क्या क्या सुरक्षा एहतियात इसे बरतना चाहिए, कैसे पानी देना चाहिए ताकि किसान को अच्छी उपज मिले। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज पहुंचे हैं नाथगढ़ में। मेरे साथ मौजूद हैं कृषि जंक्शन के हेड जोन से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम आपका है? आशुतोष मिश्रा। ये क्या चलाते हैं आपका? ये हमारा एग्री जंक्शन है और यहाँ पे एग्री जंक्शन के माध्यम से किसानों को हर सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। जैसे फसल से संबंधित बीज है, खाद है, कीटनाशक दवाएं हैं, ये सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराते हैं। जो अर्ली वैरायटी फसल है, कौन कौन सी फसल इस समय धान जैसे बाल आ रही है? इस समय जो है, जो अर्ली वैरायटी के धान है, इसके अलावा सांभा वैरायटी के धान है, इनमें बालियां निकल रही हैं अथवा निकल चुके हैं। इनको जो है, इस समय मौसम भी खराब हो रहा है, ऐसे में इनको सुरक्षा की अति आवश्यकता है। ऐसे में जैसे धान के बाल जो मजबूत, दाने मजबूत, पैदावार अच्छी हो, तो क्या करना चाहिए? दाने मजबूत बनाने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए, इस समय धान में इफ्को कंपनी द्वारा एक बेहतरीन उत्पाद उपलब्ध हुआ है, इफ्को DAP, इफ्को यूरिया, नैनो यूरिया के नाम से मार्केट में उपलब्ध है। और ये 1 CC आधा लीटर की होती है और 1 एकड़ के लिए प्रयोग की जाती है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि इफ्को नैनो यूरिया में, कीटनाशक में इस समय इमिडाक्लोरोपेट या थाइमेथॉक्साम, इस तरह के कीटनाशक मिला करके स्प्रे कराएं। साथ में इस समय एक समस्या और देखने आ रही है, बाली ये पत्तियां पीली पड़ रही हैं या लाल पड़ रही हैं, उसके लिए इसमें मेनका जब और कार्बनडाजिम का मिक्स कॉम्बिनेशन भी आता है या हेक्साकोनाजोल दवा आती है, इसके साथ इसका स्प्रे करें। कम से कम 2 स्प्रे करें 15 दिन के अंतराल पर। इससे वो जो बालियाँ मजबूत भी होंगी, वजनदार भी होंगी, साथ साथ जो पत्तियों में पीलापन या लालीपन की समस्या आ रही है रोग लगने की वजह से, उसमें भी पूरी तरह से नियंत्रण। अच्छा, मान लीजिए सिंचाई की बात आती होगी, तो छिड़काव करते हैं, सिंचाई के लिए क्या है? देखिए, इस क्षेत्र में वैसे तो पानी की समस्या नहीं है क्योंकि समय समय बारिश भी होती रही है। शुरू शुरू में दिक्कतें हुई थी, इस समय तो लगभग पानी सब खेतों में है। और अगर नहीं भी है तो ऐसे किसान के खेत में नमी बरकरार रखना चाहिए, हो सके तो 1 इंच तक पानी लगा रहे तो अच्छी बात है। लेकिन जहाँ पे नहीं है वहाँ पे इस समय बाली दाना बनते समय पानी का होना अति आवश्यक है। तो ऐसे में अगर जिन किसानों को खेतों में पानी की कमी हो, वहाँ पे पानी सिंचाई करके स्प्रे करा दें अथवा स्प्रे कराने के 2-3 दिन बाद खेत में पानी चलवा दें, बेहतर हो जाएगा, फसल भी सुरक्षित रहेगी, पैदावार, क्योंकि इस समय तमाम तरह के ये रस चूसने वाले कीड़ों का भी प्रकोप होता है, क्योंकि बालियां जो निकलती है उसमें दाने मीठे होते हैं। इस समय तमाम मक्खियां होती हैं जो रसों को चूसती हैं और धान हमारा दाने नहीं बन पाते। तो ऐसे में भी अगर हम कीटनाशक डाल रहे हैं तो हमारा सुरक्षा उसमें हो जा रहा है। और नहीं तो जो किसान स्प्रे नहीं कर सकते हैं, वह मिथाइल पैराथियन का या क्लोरोपाइरीफास पाउडर आता है, उसका डस्टिंग कर दें तो इससे मक्खियां खेतों में नहीं बैठेंगी, बालियों का रस नहीं चूसेंगी और हमारे धान जो है खाली हो जाते हैं, जिन्हें हम लोग पहिया या फरहा बोलते हैं, वो नहीं बन पाए।